अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सिख मज़हब की इब्तदा किस तरह हुई। बड़े सगीर पाको हिंद में मुग़लों, अंग्रेज़ों, मरहट्टों और अफ़गानों जैसी बड़ी ताकतों की मौजूदगी में किस तरह इस मज़हब के पैरोकारों ने एक इंतहाई ताकतवर सल्तनत कायम की और फिर किस तरह ये सल्तनत अपने जवाल को पहुँची। दोस्तों, सिख मज़हब की बुनियाद सिखों के पहले गुरु गुरु नानक ने 1469 को मौजूदा पाकिस्तान के इलाके पंजाब में रखी। सिख इज़्म हिंदुज़्म और इस्लाम की तालीमात को मिलाकर बनाया गया था और इस्लाम की तरह इसमें भी एक खुदा को माना जाता है। 16वीं सदी के आगाज़ तक वस्त एशिया से आए मुग़लों ने पंजाब समेत बड़े सगीर के बेशतर इलाके को फतह कर लिया। शुरू के मुग़ल हुक्मरान सिखिज़म समेत तमाम मज़ाहिब के साथ बहुत रवादार थे। सन 1668 को शहनशाह अकबर ने सिखों के लिए एक बड़े शाही लंगर का अहतमाम भी किया, जहां रंगों नस्ल और मज़हब से बालातर होकर तमाम अफराद शरीक हुए, जिसके बाद अकबर ने सिखों के 10 में से तीसरे गुरु गुरु अमरदास से मुलाकात भी की, जिनको शहनशाह अकबर बहुत बड़ा दर्जा देता था। इस सब के बाइस सिख मज़हब बहुत तेज़ी से फैलता गया और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और चंद एक मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन बाद में आने वाले मुग़ल हुक्मरान सिखों के इस तेज़ी से फैलते असर रसूख को अपनी सल्तनत के लिए ख़तरा समझने लगे। सन 1606 को मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को सल्तनत के अहकाम तस्लीम न करने पर कत्ल करवा दिया। गुरु अर्जन देव की मौत के बाद सिखों में अस्करी तहरीक शुरू हो गई और बहुत बड़ी तादाद में सिखों ने हथियार उठा लिए। इस दौरान पंजाब में सिखों और मुग़ल गवर्नरों के दरमियान कई लड़ाइयां लड़ी गईं। सन 1675 को एक बार फिर अहकाम तस्लीम न करने पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगज़ेब ने कत्ल करवा दिया, जिसके बाद इनके बेटे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को अस्करी तौर पर मज़ीद मजबूत और हथियारों से लैस किया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा तहरीक की बुनियाद रखी। इस तहरीक में शामिल होने वाले तमाम मर्द जंगजुओं के नाम के साथ सिंह, जिसके मायनी शेर के हैं, और ख्वातीन के नाम के साथ कौर, जिसके मायनी शहजादी के हैं, लगाना लाजमी हो गया। जबकि सिख मर्दों के लिए कई अहकाम भी दिए गए, जैसे केश यानी जिस्म का कोई भी बाल ना काटना, अपनी कलाई पर लोहे या स्टील का कड़ा पहनना, और किरपान यानी एक तलवार या चाकू हमेशा अपने साथ रखना। गुरु गोबिंद सिंह ने मुग़लों के ख़िलाफ़ अपनी अस्करी तहरीक जारी रखी। इस दौरान इन्हें शुमाल मगरबी पंजाब के पहाड़ी और जंगली इलाकों में पनाह भी लेना पड़ी। 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़ल फ़ौज कमज़ोर पड़ गई और सल्तनत का ख़जाना भी खाली हो गया। 1708 को गुरु गोबिंद सिंह पहाड़ों से उतरकर मुग़ल हुक्मरानों के साथ अमन मुआहिदा करने के लिए आया, पर इसे वहाँ एक मकामी हुक्मरान वज़ीर ख़ान की जानिब से कत्ल कर दिया गया। लेकिन अपनी मौत से पहले गुरु गोबिंद सिंह ने यह वाज़ह कर दिया था कि इसकी मौत के बाद सिख मज़हब में कोई नया गुरु नहीं आएगा, बल्कि सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों की आखिरी गुरु होगी। अगले चंद सालों में सिख जंगजुओं ने पंजाब में जनरल बंदा सिंह बहादुर की क़ियादत में पहली खुद मुख्तार सिख हुकूमत की बुनियाद रखी। लेकिन यह सल्तनत सिर्फ चंद अरसा कायम रह सकी, जब 1716 को मुग़ल फ़ौजों की जानिब से इसका घेराव कर लिया गया। जनरल बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करके कई अरसा कैद और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। पंजाब में एक बार फिर से मुग़लों की हुकूमत कायम हो गई। इस दौरान कई सिख जंगजुओं और रहनुमाओं को कत्ल किया गया। बचे कुछ सिख जंगजुओं ने पहाड़ों और जंगलों में पनाह ली और मुग़ल सल्तनत के खिलाफ गुरीला जंग जारी रखी। 1730 को थकी हारी मुग़ल सल्तनत ने सिख जंगजुओं के साथ अमन कर लिया और इन्हें वापस आकर अपनी ज़मीनों पर रहने और किसी हद तक हक़ हुक्मरानी भी दे दिया।
सन 1738 को ईरानी अफशरित सल्तनत के नादिर शाह ने कमज़ोर पड़ी मुग़ल सल्तनत के दारुल हकूमत दिल्ली पर बड़े पैमाने पर कत्लो गारत, खून रेजी और लूट मार की। इसके अलावा जनूब में मौजूद हिंदू मरहट्टों के हमलों ने भी मुग़ल सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। उन दिनों मगरिब में अहमद शाह अब्दाली की क़्यादत में ईरानी अफशरित सल्तनत से ही टूट कर बनी दुरानी सल्तनत बहुत तेज़ी से मजबूत हो रही थी। चुनाचे मुग़ल सल्तनत ने मरहट्टों के ख़िलाफ़ अहमद शाह अब्दाली की दुरानी सल्तनत से मदद तलब की। नतीजतन 1761 को मराठा सल्तनत और दुरानी सल्तनत के दरमियान पानीपत की तीसरी जंग हुई। इस जंग में अफ़गानों को फतह हासिल हुई, लेकिन इन्हें बहुत सा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पंजाब पर भी कई हमले किए और इसे फतह करने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन पानीपत की जंग में खाए गए नुकसान के बाइस कभी भी पंजाब को पूरी तरह फतह न कर सके। 1799 को अहमद शाह अब्दाली की मौत के बाद सिखों ने लाहौर समेत मशरकी पंजाब पर एक बार फिर हुकूमत कायम कर ली। बंदा सिंह बहादुर की मौत के बाद से सिख पंजाब में खालसा तंजीम के ज़ेर असर छोटी छोटी मुतहद खुद मुख्तार रियासतों के तहत हुकूमत कर रहे थे। इन रियासतों में अक्सर लड़ाइयाँ फूट पड़ती, हत्ता के एक 20 साल जंगजू रंजीत सिंह की क्यादत में ये रियासतें मुतहद हो गईं। 1801 को रंजीत सिंह पंजाब की सिख सल्तनत का महाराजा बन गया। रंजीत सिंह ने अफ़गानों से बहुत सी जंगें लड़ीं और इन्हें खैबर से पीछे धकेल दिया। इसके 38 साल दौरे हुकूमत में सिखों ने न सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि खैबर और कश्मीर को भी फतह कर लिया। इसका दौर पुरअमन और खुशहाल था। इसने फ़ौज और हुकूमत में बहुत सी असलाहत की। इसकी फ़ौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, यूरोपी माहरीन और जंगजू शामिल थे जिनको जदीद तकाज़ों से लैस किया गया था। इसके अलावा इसकी फ़ौज ने आर्टिलरी के इस्तेमाल में भी बहुत महारत हासिल की। इसके दौर में सिख सल्तनत के बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे रवाबित कायम थे, जिसके बाइस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सल्तनत को शिकस्त देकर फतह कर लिया। रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख सल्तनत सिर्फ 10 साल मजीद कायम रह सकी। इस दौरान आने वाले ज़्यादातर सिख महाराजों को कत्ल कर दिया गया। सिख सल्तनत इंतशार का शिकार हो गई क्योंकि इनका नया महाराजा इंतहाई कम उम्र था। ऐसे हालात में सिख फौज ने सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया। सिख सल्तनत उस दौर में ख़तरनाक फौजी जमहूरी सल्तनत बन चुकी थी। हालात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख सल्तनत की सरहद के साथ अपनी फौजें जमा करना शुरू कर दीं। सन 1809 में दोनों के दरमियान जंग फूट पड़ी। दोनों की जानिब से दूसरे पर जहरियत का इल्ज़ाम लगाया गया। कई खूनी लड़ाइयों के बाद दोनों के दरमियान अमन का मुआहदा हो गया, लेकिन इस मुआहदे में सिख सल्तनत को कश्मीर और मशरकी पंजाब के कुछ कीमती इलाके बरतानवी सल्तनत के हवाले करना पड़े। 1848 को दूसरी अंग्रेज़ सिख जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग में अंग्रेज़ों ने पूरी सिख सल्तनत को फतह कर लिया। यूं सिख सल्तनत का बाकायदा इख्तिताम हुआ। बरतानवी हुकूमत के दौरान भी सिखों ने बहुत सी खदमात अंजाम दीं। हिंदुस्तान की आबादी का 2% होने के बावजूद भी सिख बड़ी तादाद में अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल थे और बरतानवी हुकूमत इनकी बहादुरी और जंगी सलाहियतों की बहुत मोतरिफ थी। आज सिख पूरी दुनिया में आबाद हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है। सिखों की अक्सरियत यानी 1,60,00,000 सिख सिर्फ भारतीय रियासत पंजाब में बसते हैं। भारत दुनिया में सिखों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ सिखों की शरह 1.7% है, जिसके बाद कनाडा में सिखों की आबादी की शरह 1.4% है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी 50,000 के करीब सिख आबाद हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।